सो हे गाइस, शुभम हेयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एक यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा कि चैनल जल्दी ग्रो करे, चैनल वीडियो जल्दी वायरल हो। आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि कैसे चैनल क्रिएट करे, किस टाइप का वीडियो बनाए ताकि चैनल जल्दी ग्रो करे। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं नया, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप ये सोचो कि आपको किस टाइप का वीडियो बनाना है। अगर आपको टीचिंग वीडियो बनाना है, टेक वीडियो बनाना है, कुकिंग वीडियो बनाना है, ब्लॉगिंग वीडियो बनाना है, आप में जिस चीज की ज्यादा नॉलेज है आप उस चीज की वीडियो यूट्यूब पे बनाओ। आप में अगर टीचिंग की ज्यादा नॉलेज है तो आप टीचिंग की वीडियो बनाओ, यानी अगर आप में ब्लॉगिंग की ज्यादा नॉलेज है तो ब्लॉगिंग की वीडियो बनाओ। आपको जिस चीज में ज्यादा नॉलेज है आप उस चीज की वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करो। यानी चैनल बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो पहला तो हो गया कि आप में जिस चीज की ज्यादा नॉलेज है उस चीज की चैनल क्रिएट करो। इससे क्या होगी कि आपके चैनल पे रेगुलरली एक ही कंटेंट का वीडियो आएगा तो लोग ज्यादा आपके चैनल को देखना पसंद करेंगे। अगर होता क्या, कुछ लोग करते क्या है कि चैनल बना लेते अपने नाम से, मेरा भी अपने नाम से ही है लेकिन मैं टेक वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोग बना लेते अपने नाम से और उसमें बहुत सारा वीडियो डालने लग जाते हैं। कहीं जाते हैं घूमने तो ब्लॉगिंग वीडियो डाल देते हैं, कभी टेक वीडियो बनाते हैं, कभी कुकिंग वीडियो बनाते हैं, यानी कुछ भी वीडियो बना के डालते रहते हैं। इससे चैनल आपका जल्दी ग्रो नहीं होगा। अगर ग्रो हो भी जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप पहले ये देख लो कि आपके नॉलेज किस चीज में है, उस चीज का वीडियो बनाओ। अगर आप अपने नाम से बनाते हो तो आप अपने नाम से बनाते हो, ये मायने नहीं रखता है कि जरूरी नहीं है कि ब्लॉगिंग वीडियो बनाए तो ब्लॉग लिखना जरूरी है, टीचिंग वीडियो बनाए तो टीचिंग लिखना जरूरी है, ये मायने नहीं रखता। अगर आप अपने नाम से ही बनाते हो तो ये कंटेंट पे ही रेगुलरली वीडियो बनाओ। ये तो हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये हो गया कि अगर आप नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, जब आप नए यूट्यूबर होते हैं तो आपको रेगुलरली वीडियो अपलोड करना है, डेली बाय डेली एक वीडियो अपलोड करना है। अगर दो हो सके, तीन हो सके तो और अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकती है दो तीन तो आप एक वीडियो करो लेकिन रेगुलरली करो। ऐसा नहीं कि कुछ लोग शुरू शुरू में नया जब चैनल क्रिएट करते हैं तो चार वीडियो एक दिन में डाल देते हैं फिर दो तीन दिन तक नहीं डालते, ऐसा नहीं करना है। एक वीडियो डालो लेकिन रेगुलरली डालना चाहिए। हो गया दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक ये हो गया कि किसी एक टाइम पे आप बना लो कि मुझे इस टाइम में वीडियो अपलोड करना है। यदि शाम को करना है 4 से 6 तो उस टाइम में कर सकते हो, सुबह करना है तो सुबह में कर सकते हो। यानी एक टाइम बना लो कि मुझे इस टाइम में वीडियो अपलोड करना है, उससे पहले आप वीडियो शूट कर लो, यानी वीडियो को एडिट कर लो, सब चीज करके रख लो। उतना 4 बजे मान लो 4 बजे आपको अपलोड करना है तो 4 बजे से पहले उस वीडियो का सब चीज करके रख लो, तैयार करके रख लो। 4 बजने से 5-10 मिनट पहले जितना दिन में आपका वीडियो अपलोड हो जाता है उतना बजे वीडियो को पब्लिश कर दो। उसके बाद आपको करना क्या है, चैनल को मेंटेन में रखना है, यानी कुछ से कुछ नहीं डालना है। टेक वीडियो बनाते हो तो जरूरी नहीं है कि आप में टेक वीडियो बनाते हो तो आपके हर नॉलेज होगा ही नहीं। आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख लो, वीडियो देखो 4-5 वीडियो देख लो और उसमें सबके वीडियो से थोड़ा थोड़ा लेके अपना कंटेंट बना लो, यानी अपना थिंकिंग डाल के उस टाइप का वीडियो बना लो। ये वीडियो आपके रैंकिंग बहुत ज्यादा करेगा, यानी ये वीडियो वायरल होने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। ये हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है कि यानी कि कोई भी वीडियो बनाते हो तो आप कॉपीराइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। अगर कॉपीराइट क्लेम आएगा तो कुछ नहीं होगा, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है 3 बार से ज्यादा आपका चैनल डिसेबल हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान रखे। यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिए यानी छोटे यूजर है तो आपको सब्सक्राइबर हाइड करके रखना चाहिए, क्योंकि कुछ छोटे यूट्यूबर के लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन उनके सब्सक्राइबर कम होने के चलते ना उसके वीडियो को लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो आपको सब्सक्राइब हाइड करके रख सकते हो। हाइड कैसे किया जाता है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर रख चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, या उस वीडियो के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहां से भी देख सकते हो। या आउट्रो में यानी वीडियो एंड होने के बाद आपको लास्ट में एक थंबनेल मिल जाएगा, आप वहां से भी उस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैं ये कुछ अपना एक्सपीरियंस बताया आप लोग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर एक नई अपडेट सबसे पहले आप तक मिले। ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप अपना प्यार बनाए रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।